गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट आपका साइंस है और देखते हैं हम साइंस में क्या करेंगे आज। हम पढ़ रहे थे लेसन 3, फ्रॉम सीड्स टू सीडलिंग्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज़ फोर ऑल्टरनेटिव्स, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन हैं, उनमें से जो सही है उस पर हमने टिक करना है, ठीक है? तो देखिए से आप कॉपी पे सबसे पहले डेट, लेसन का नाम और क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, फिफ्थ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज़ फोर ऑल्टरनेटिव्स, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। तो पहला देखिए, कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स आर ए सनलाइट, बी वाटर, सी मिनरल्स और डी ऑल द अबव। तो बता सकते हैं आप सीडलिंग की ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, सनलाइट है, वाटर है या मिनरल है, या फिर ये तीनों हैं? तो आंसर है इसका डी, हमने डी पे टिक करना है, ठीक है? 2 पे चलिए। फार्मर्स वीड आउट अनहेल्दी सीडलिंग्स बिकॉज, जो किसान होते हैं वो अनहेल्दी सीडलिंग्स को अलग कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? तो देखिए, द यील्ड फ्रॉम सच प्लांट्स वुड बी पुअर, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो बेकार होते हैं, पुअर होते हैं। द सीड्स डिफर, क्योंकि उनके जो बीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सी इट विल हेल्प द रेस्ट ऑफ द क्रॉप टू ग्रो, वो उनको इसलिए अलग करते हैं क्योंकि वो क्या करेगा, उनकी मदद करेगा और क्रॉप को ग्रो करने के लिए। या फिर इट वुड मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल टू अदर हेल्दी प्लांट्स, या वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस सॉइल में, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेल्दी प्लांट्स को अवेलेबल होंगे इस वजह से, ताकि जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी है, तो हमने डी पे टिक करना है, ठीक है? पुअर सीड्स को अलग करने का कारण क्या है? ताकि जो अच्छे सीड्स होते हैं हमारे, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से मिल सके, इसलिए जो खराब अनहेल्दी प्लांट्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ठीक है? 3 देखिए। द सीडलिंग्स इन द फ्लावर पॉट कैप्ड इन द कबर्ड शो, जो अगर कबर्ड में एक फ्लावर पॉट रखा जाता है तो वो क्या, द सीडलिंग्स इन द फ्लावर पॉट कैप्ड इन द कबर्ड शो, तो क्या शो करता है अगर फ्लावर पॉट में हम किसी सीडलिंग्स को लगाते हैं? तो देखिए, नो ग्रोथ एट ऑल, कोई ग्रोथ नहीं होती। बी स्टंटेड ग्रोथ, सी अनहेल्दी ग्रोथ, डी ग्रोथ सिमिलर टू द फ्लावर पॉट कैप्ड इन द ओपन। ग्रोथ सिमिलर टू द फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट में भी ग्रोथ सिमिलर होती है उतनी ही जितनी कि अगर हम क्या करते हैं, ओपन में कोई प्लांट हम लगाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है? अगर हम एक फ्लावर पॉट में सीडलिंग्स को बोते हैं, उगाते हैं और उसे कबर्ड में रख देते हैं, एक अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं, तो क्या होगा उसमें? ए है नो ग्रोथ एट ऑल, बी है स्टंटेड ग्रोथ, सी है अनहेल्दी ग्रोथ और डी है ग्रोथ सिमिलर टू द फ्लावर पॉट कैप्ड इन द ओपन। तो अगर हम एक, आप सोचिए, अगर हम एक बीज को एक पॉट में रखाते हैं और एक अलमारी के अंदर बंद कर देंगे, तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ए, नो ग्रोथ एट ऑल, उस प्लांट में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है? तो आपने अभी इतना ही काम करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है?